हेलो दोस्तों, रोजगार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, 59 एप्लीकेशन, चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करके, कहीं ना कहीं चाइना को सबक सिखाने का मकसद। अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो सवाल मार्केट से उठ के आ रहे हैं। जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस इंडिया में थे, हालांकि जो पहले से थे, तो पहली बात तो इनको यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि चाइनीज़ आइटम को एंट्री मिलने का मतलब है यहाँ से प्राइवेसी लीक होना। तो जिस टाइम पे चाइनीज़ एप्लीकेशन आए हैं, उसी टाइम से ये क्लैश हुआ था कि चाइनीज़ माल को यूज़ नहीं करना, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करना है। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन करके कहीं ना कहीं ये अभियान चालू कर दिया है कि हमें बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट करना है, जितने भी चाइना के प्रोडक्ट हैं बाइकआउट करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 59 एप्लीकेशन बैन करने से यहाँ पे चाइना को हम झटका दे सकते हैं? और ये 59 एप्लीकेशन जो थे, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में कितने लोग, हिंदुस्तान के लोग जो है जुड़े थे, जिनको रोज़गार मिला हुआ था, अब उनको बेरोज़गारी के बाद में क्या उसकी कोई प्री प्लानिंग की गई थी कि उनका जो रोज़गार है या बेरोज़गार जो लोग हैं उनको कहीं पर ऑप्शन दिया जा सकता है? चाइनीज़ एप्लीकेशन के अलावा कितनी कंपनीज़ ऐसी हैं और कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें चाइनीज़ कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आखिरकार क्या वहाँ से प्राइवेसी वगैरह लीक नहीं हो सकती? तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें से आपको ये बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, इंडिया में किस तरह से उन्होंने कैप्चर कर रखा है इंडिया की मार्केट को। आपसे मैं बता दूं, आपने अलीबाबा कंपनी का नाम सुना होगा। अलीबाबा जो है हिंदुस्तान की देखने में सुनने में लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका जो फाउंडर चेयरमैन है जैक मा, ये चेहरा शायद आपने देखा होगा, ये चेयरमैन और फाउंडर हैं। और ये कंपनी जो है 1999 में चाइना में ही इस्टेब्लिश हुई थी। चाइना से लेके इसने अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी मार्केट कैप्चर की, उसके बाद इंडिया में जो है इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उसमें बहुत बड़े शेयर हैं इस कंपनी के, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं आपको बता दूं, जैसे जोमैटो हो गया, स्नैपडील हो गया, paytm.com हो गया, और पेटीएम मॉल हो गया, बिग बास्केट हो गया, इन सारी कंपनीज़ ने चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन सारी कंपनीज़ में, और इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जोमैटो में 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, स्नैपडील में 700 मिलियन का, paytm.com में 400 मिलियन का, पेटीएम मॉल में 150 मिलियन का, और बिग बास्केट में 250 मिलियन का। ये सारे जो है इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज़ में किए हुए हैं चाइना ने, और ये सारी कंपनी जो मैंने आपको बताई इंडियन कंपनीज़ हैं। अब इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ मैं, ये यूनिकॉर्न्स हैं। मैं आपको बता दूँ कि 30 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, जिसमें से 18 यूनिकॉर्न्स में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और ये 18 मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा। और इसके अलावा भी कंपनीज मैं आपको बताता हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट है चाइना का, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आपने बायजूस कंपनी सुना होगा, हाइक सुना होगा, ओला सुना होगा, फ्लिपकार्ट सुना होगा, उड़ान एंड ड्रीम इलेवन, इसमें भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। कितना कितना इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बायजूस में 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, हाइक में 150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ओला में 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, उड़ान में 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ड्रीम इलेवन में 150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, फ्लिपकार्ट में 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि टेंसेंट कंपनी जो है ये भी चाइना की कंपनी है, इसने भी इंडिया की मार्केट को बहुत बड़ी तरीके से कैप्चर कर रखा है, और यहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी चाइना में। फ्लिपकार्ट में 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इसमें स्ट्रीट व्यू और टेंसेंट दोनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा डिलीवरी, ओयो, रिवीगो, इस तरह के भी कंपनीज हैं। ये बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स की बात कर रहा हूं, हालांकि छोटे मोटे भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन सारी कंपनीज़ में कहीं ना कहीं चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी कंट्री में पूरी तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहिए होंगे, और ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बाहर की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और बाहर की कंपनीज़ में, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के जो बड़े उद्योगपति हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूएस में मिलेंगे, आपको दुबई में मिलेंगे, आपको सऊदी में मिलेंगे। इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर, बिज़नेस करते हैं, और जबकि इंडिया में लोगों को बाहर से इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, FDI के थ्रू जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसके अलावा अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, तो मोबाइल फ़ोन की मार्केट जो है इंडिया में पूरी तरीके से चाइना ने कैप्चर कर रखी है। ओप्पो, वन प्लस और रियल मी,
शाओमी, ये सारे मोबाइल फ़ोन जो बड़े ब्रांड हैं ये सब चाइना के ब्रांड हैं और चाइना में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इसके अलावा जो इंडिया की मार्केट है सबसे ज़्यादा यही फ़ोन बिकते हैं। आपने देखा होगा चाहे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में जब ये अनाउंसमेंट होता है तो लाख फ़ोन, एक एक लाख फ़ोन एक एक घंटे में सेल आउट हो जाते हैं। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का कितना बड़ा जो है पैसा और वो बाहर की कंपनीज़ में जा रहा है। मैं आपको इंडिया के फ़ोन के कुछ नाम बताता हूँ जिससे शायद आपको लगेगा कि आपने आज तक ये फ़ोन यूज़ नहीं किए हैं, और कुछ लोग होंगे जिनके पास मनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने वो फ़ोन यूज़ किए होंगे तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक हफ्ते में या 15 दिन में या 20 दिन में वो फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आपको कुछ फ़ोन दिखा रहा हूँ, उसमें से आप देखिए कि आपने क्या ये नाम सुने हैं कभी। ये सारे फ़ोन जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंडिया में ही ये सेल आउट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं कुछ कंपनीज ने बंद कर दिया या कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी कंपनी ने मार्केट में अपना एडवर्टीजमेंट किया वो फ्लॉप हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में इन मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड नहीं है ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रियो है, सेलकॉन है, आई बॉल है, इंट्रेक्स है, कार्बन मोबाइल है, लावा इंटरनेशनल है, SCL भी मोबाइल बनाता है, जियो हो गया, लाइफ हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, ओनिडा हो गया, और स्पाइस एक्स मोबाइल हो गया, स्पाइस डिजिटल हो गया, और वीडियोकॉन है, और जोलो भी जो है लावा इंटरनेशनल का ही ब्रांड है। ये सारे जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही बनते हैं, लेकिन इनकी मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन है चाइनीज़ ब्रांड के आगे और चाइनीज़ मोबाइल के आगे कि इनको कोई ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मोबाइल मिलेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगी, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होगी और या लुक वाइज में आपको शायद अच्छे ना लगें। इसलिए आपने देखा कि जो चाइनीज़ ब्रांड ने जब इंडिया में कदम रखा, ओप्पो वीवो ने, तो सैमसंग को भी पीछे कर दिया था कि आप कहीं पे भी आज किसी भी मार्केट में जब जाएंगे मोबाइल खरीदने तो आपको ओप्पो वीवो अदरवाइज इसके पहले आपको सैमसंग के मोबाइल मिला करते थे, नोकिया के मोबाइल मिला करते थे, आपको ये सारे मोबाइल मार्केट में उपलब्ध हुआ करते थे, लेकिन ओप्पो वीवो ने इतना कम रेट करके और सर्विस जो होता उसका बेनिफिट रिटेलर्स को इतना ज़्यादा दिया कि सैमसंग की मार्केट एकदम डाउन हो गई और ओप्पो वीवो सैमसंग से आगे हो गए। आज ओप्पो वीवो ने जो मार्केट कैप्चर कर रखी है कहीं ना कहीं अपने जो रिटेलर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट दे के और जो कस्टमर्स हैं ज़्यादा कस्टमर बना लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल, सैमसंग और नोकिया जो मोबाइल हैं और सोनी, ये मोबाइल आखिरकार कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि इंडिया में मोबाइल बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी मोबाइल इंडिया में नहीं बनता, इवन एप्पल भी नहीं बनता है। अब मैं आपको बता दूंगा कि चारों मोबाइल कहाँ बनते हैं, आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, इनके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एप्पल की, कि एप्पल शायद आपने सुना होगा कि एप्पल के फाउंडर जो थे स्टीव जॉब्स, 1976 में इन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण किया, लेकिन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुई वो कैलिफोर्निया US में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एप्पल के जो प्रोडक्ट वो अंदर के पार्ट्स आते हैं, जो सॉफ्टवेयर आते हैं, 90% सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूं फॉक्सकॉन कंपनी के हैं और फॉक्सकॉन कंपनी चाइना में है। और अब मैं बात करता हूं नोकिया की, तो नोकिया के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर हम, तो ये फिनलैंड, आपने फिनिश फिनलैंड सुना होगा, ये वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इसके अलावा इसका मोबाइल चाइना में भी बनता है और इंडिया में चेन्नई में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग की जो मैन्युफैक्चरिंग मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया में होती है। साउथ कोरिया के साथ साथ इंडिया है, वियतनाम है, चाइना है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। एक चीज़ और बता दूं कि एशिया में सबसे बड़ी सैमसंग की फैक्ट्री जो है वो नोएडा में लोकेटेड है। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, तो इसके साथ आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है चाइना में अटैच है। कि अगर आपकी फैक्ट्री कहीं दूसरी कंपनी में है या मोबाइल कहीं दूसरी कंपनी से बन के आ रहा है तो उसमें भी शेयर चाइना का है, और चाइना से कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स भले ही उसको सपोर्ट कर रहे हों लेकिन मोबाइल फ़ोन में चाइना का सपोर्ट कहीं ना कहीं है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि पबजी आखिरकार क्यों नहीं बैन हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ पबजी चाइना का गेम नहीं है, ये साउथ कोरिया का गेम है, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड जिसका फुल फॉर्म है पबजी का। और एक बात बता दूं कि चाइना में गूगल और व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब नहीं यूज़ किया जाता। गूगल स्टार्ट हुआ 1998 में कैलिफोर्निया US में। अब
क्या हुआ कि गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, तो चाइना में जो सर्च इंजन है गूगल की जगह उनका अपना सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन वो यूज़ नहीं करते हैं। और क्योंकि गूगल ने 2006 में यूट्यूब को हायर कर लिया $1.65 बिलियन में, तो जब यूट्यूब गूगल के अंडर में आ गया तो चाइना जो है यूट्यूब भी यूज़ नहीं करता है और फेसबुक भी चाइना में यूज़ नहीं किया जाता है। और जब चाइना में फेसबुक यूज़ नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया था और 2014 में जैसे कि आपको पता होगा कि $19 बिलियन में उसने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। तो ये एप्लीकेशंस भी चाइना में यूज़ नहीं होते हैं। हालांकि चाइना में टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ के जो लोग हैं कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी सोर्स के थ्रू वो व्हाट्सएप चलाएं, तो वहाँ पे ये भी कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका अपना कंट्रोल है कि वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है उनको क्या देखना है, ये वहाँ की गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है। और जैसे ही 59 एप्लीकेशन बैन हुए हैं चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि चाइना ने जस्टिफिकेशन देने की भी कोशिश करी है और इसी के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वीबो एप्लीकेशन जो वीआईपी लोगों के लिए होता है उस पर 115 पोस्ट डाली थी, उस पर से भी 113 पोस्ट मैनुअली डिलीट कर दी हैं उन्होंने। मतलब कहने का कि अब वो चाइना के एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से चाइना का बायकॉट किया जा सकता है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर उठता है कि जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जो बेरोज़गार हो गए हैं और जो कहीं ना कहीं जॉब के सर्च में है, उनके लिए ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि पहले से ही महामारी और पहले से ही बेरोज़गारी की वजह से लोग इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि पलायन हुआ है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे कंपनीज ने सैलरी देना बंद कर दिया है। तो ये जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, हमें इस बात पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाना चाहिए कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और टेंशन में आ सकते हैं, उनके लिए भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह से हमने जो रिसर्च की थी, जो स्टडी की है, हमने आपके सामने रख दिया है। मतलब कहने का कि अभी जो 59 एप्लीकेशन के साथ में अगर इंडिया ने चाइना को जवाब दे दिया है और चाइना को अगर बड़ा झटका लगा है तो हमें इंडिया में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होगा और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी। जो इंडिया के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और लाइक करना भूलें वीडियो को और शेयर भी कर दें दोस्तों में। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।